फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं बाटल इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। आज का जो विषय है वो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रेमेडीज C8 के ऊपर। फ्रेंड्स हमारा सभी ग्रुप यानी कि इसमें 8 ग्रुप हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में और 6 इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो हमने 7 ग्रुप के ऊपर कंप्लीट हमने वीडियो बना चुके हैं, हमारे ऐप चैनल में जाके देख सकते हैं सभी ग्रुप के ऊपर। ये अंतिम ग्रुप 8वां ग्रुप है फ्रेंड्स, जिसमें से कि हमने C7 तक हमने वीडियो बना दिए हैं। आज हम बात करेंगे C8 के ऊपर और सी ग्रुप में कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स यूज किए गए हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको हमारा C1 रेमेडी को देखना पड़ेगा। C1 रेमेडी में हमने जो 21 मेडिसिनल प्लांट यूज किए गए हैं उसके बारे में हमने कंप्लीट वर्णन कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, C8 के ऊपर। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों तक जरूर पहुँचाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो C8 रेमेडी है ये कैंसरेशियस ग्रुप की रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। स्पेशली यह रेमेडी कैंसर के ऊपर काम करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन पार्ट में अगर कहीं भी GI यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो फंक्शन है अपना, लीवर है, किडनी है, इसके साथ साथ इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर इस कहीं भी इसे मिलते जुलते जगह पे ये सिम्टम्स दिखे तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये ड्यूडेनम में अगर कोई समस्या हो, है ना, बाइल डक्ट में कोई समस्या हो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य करने वाली है रेमेडी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अल्सर, कहीं भी अगर पेट के अंदर कहीं भी अल्सर हो गया हो, इंटरनल पार्ट में, ध्यान रखिएगा इंटरनल पार्ट्स में अगर कहीं भी अल्सर हो गया हो उसके लिए यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। टाइफाइड हो गया हो, टाइफाइड का बिगड़ गया हो, जिसमें से पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार के साथ साथ उल्टियाँ भी होना शुरू हो गई हो, अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इसके लिए यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स C8। तो फ्रेंड्स इसका हमने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है, अगर ये कोई भी सिम्टम्स देखने को मिले तो ये C8 का कम्बिनेशन है साथियों, C8 रेमेडी है। इसको आप 1 लीटर पानी में 5 बूंद, इसको सबसे पहले करना क्या है, ये D3 इसका जो डायलूशन है D3 है, इसको 100 ml रेक्टिफाइड एल्कोहल या कि डिस्टिल्ड वाटर, सबसे अच्छा डिस्टिल्ड वाटर लीजिए, उसमें से इसको करीब 5 से 10 बूंद डाल दीजिए, 100 स्ट्रोक दे दीजिए उसको, और उसके बाद जब 1 लीटर पानी लीजिए बॉयल करके नॉर्मल करके, उसमें से करीब 5 से 10 बूंद डालिए। बनाने के बाद डायलूशन तैयार करने के बाद फिर आप उसमें से इसको डालिए और 50 से 100 स्ट्रोक दे दीजिए, जब प्यास लगे उसी पानी को आप पीते रहिए, और जिस पार्ट्स में हो उसमें से आप RE या कि GE का कम्बिनेशन बना के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है दोनों, RE रेड इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी आप कंप्रेशन दे सकते हैं, बाहर उसको अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल अप्लाई कर सकते हैं, और 5 बूंद सुबह दोपहर शाम उसको ले भी सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो अनुमति दीजिए, मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।